हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इडली की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। आज इडली हम सिर्फ 2 मिनट के अंदर तैयार करके बनाएंगे। आज हम बिना स्टीम के और बिना स्टैंड के ही इडली बनाना सीखेंगे। आज मैं आपको अपम पैन में इडली बनाना सिखाऊंगी, जिसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और वो बिना स्टीम के भी पक जाती है। ये देखिए, मैंने इडली का बैटर पहले से ही तैयार करके बना रखा है। इसे मैंने 3 कप चावल, 1 कप उड़द दाल, 1 कप पोहा और 20 से 22 मेथी के दानों को भिगोकर 8 से 10 घंटे उसे पीसकर और फिर हमने जो बैटर था तैयार किया हो उसे फर्मेंट कर दिया है। ये मेरा फर्मेंट किया हुआ बैटर है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये एकदम अच्छे से हमारा फर्मेंट हो रखा है और ये इडली बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब भी आप इडली का बैटर तैयार करें उसके अंदर नमक डाल के बिल्कुल ना तैयार करें, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाता है और बिना नमक का आप 3 से 4 दिन इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। ये मेरा बिना नमक का बैटर है, ये इसलिए है ताकि मेरा 2 से 3 दिन आराम से चल जाए। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे क्योंकि हमें इडलियां बनाना स्टार्ट करना है। ये मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, मिक्स हो चुका है और बैटर हमारा यूज करने के लिए अब बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इडलियां बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अपम पैन ले लिया है, इसकी फ्लेम मैंने ऑन नहीं की है, इसे बिना फ्लेम के ही अभी हमें रखना है। इसे ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, बहुत ही थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाइएगा क्योंकि मेरा नॉनस्टिक पैन है। अगर आपको नॉनस्टिक नहीं है तो आप थोड़ा ज्यादा लगा लीजिए। ये देखिए, पैन ग्रीस हो चुका है, अब इसके अंदर हम ये बैटर डाल देंगे। इस तरह से 1-1 चम्मच बैटर सब में डाल दीजिए। ये देखिए, सारे होल्स हमने फिल कर लिए हैं, अब इसकी फ्लेम ऑन कीजिए। फ्लेम ऑन हो चुकी है, 10 सेकंड हाई रखिए। 10 सेकंड बाद इसकी फ्लेम एकदम लो कर दीजिए। लो करने के बाद कवर कीजिए और इसे 2 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। 2 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से पलट कर चेक कर लीजिए। सारी इडली की साइड हमने चेंज कर दी है, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कीजिए और इसे कवर कर दीजिए। अब आप इसे सिर्फ 20 सेकंड के लिए पकाइएगा और इसकी फ्लेम बंद कर दीजिएगा। 20 सेकंड हो चुके हैं, इसकी फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद ये देखिए, इडली हमारी अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी है, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही सावधानी से, ये गरम है। ये देखिए, सारी इडली निकलकर तैयार है, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये उतनी ही सॉफ्ट बनी है जैसे हमारी स्टीम में बनकर आती है। आप इन्हें गर्मा गर्म सांबर या फिर चटनी के साथ सर्व कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेकर तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।